अस्सलाम वालेकुम मोहतरम खवातीन हज़रात, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप और आपके घर वाले खैरियत से होंगे। हम इलेक्शंस ऑफ 1965 पढ़ रहे हैं। हमारा टॉपिक नंबर 8 ही चल रहा है, मिलिट्री इन पावर, और लेक्चर नंबर है 49 पाकिस्तान अफेयर्स का। तो आज हम स्टडी करेंगे 1965 के इलेक्शंस को। हम आपको पिछली वीडियो में दिखा चुके हैं कि पिछली वीडियोज में कि 1962 का आइन आया था जो कि सदर को मैक्सिमम इख्तियारात देता था। इसके अलावा मौलाना नसरुल्ला खान जो थे, उनकी जो पिछली वीडियो के अंदर हमने आपको कोशिशें बताई थी, आप उसको देख लें तो आपको काफ़ी समझ आ जाएगी कि उन्होंने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स की थी और अपोजिशन को कंबाइन करने की कोशिश की थी, और फातिमा जिन्ना को लेटर्स लिखकर कायल किया था कि वो मुतहिदा अपोजिशन जमातों की नुमाइंदगी करें। और इसके अलावा जमात इस्लामी जो थी और जो मौलाना मदूदी थे, अगर आप उनको देखें कि उनकी जो सोच थी उन्होंने उसको मॉडिफाई किया, और उन्होंने भी मोहतरमा फातिमा जिन्ना को सपोर्ट करने की पूरी यकीन दहानी दिलाई। तो इस तरह मौलाना मदूदी जैसा एक स्ट्रॉन्ग नाम भी मोहतरमा फातिमा जिन्ना को सपोर्ट कर रहा था। इसके अलावा जो अयूब खान थे वो मुल्क के अंदर मुकम्मल तौर पर एक्टिव थे और इख्तियारात का सारा कंट्रोल उनके पास था जो कि उनको 1962 के आइन से मिला था। इसके अलावा हम बात करें कि आम इंतखाबात से पहले, यानी कि आम इंतखाबात से पहले ही सदारती उम्मीदवारों का ऐलान हुआ। मुस्लिम लीग कन्वेंशन और मुतहिदा अपोजिशन आमने सामने थी। अयूब खान बिल्कुल रिलैक्स थे कि जब तक उनको ये ना पता चला कि फातिमा जिन्ना मुतहिदा अपोजिशन की कैंडिडेट हैं, तो मुतहिदा अपोजिशन को अयूब खान की जो थी हुकूमत उससे बहुत ज़्यादा इश्यूज थे और अयूब खान बिल्कुल रिलैक्स थे। लेकिन जैसे ही मोहतरमा फातिमा जिन्ना का नाम सामने आया तो उनके कान खड़े हो गए और उन्होंने और ज़्यादा एक्टिव होने के बारे में सोचा। और उन्होंने, क्योंकि मोहतरमा फातिमा जिन्ना की इज्जत सारा पाकिस्तान करता था और वो ज़्यादा मकबूल भी थी। इसके अलावा अगर हम देखें कि जो हमारे पास 1964 में अयूब खान अपनी मकबूलियत की वजह से मुतमईन थे, मगर जब जनरल आजम की बजाय फातिमा जिन्ना को सदारती उम्मीदवार बनाया गया तो अयूब खान परेशान हो गए, क्योंकि फातिमा जिन्ना मादरे मिल्लत का टाइटल रखती थी, यानी वो कौम की माँ की हैसियत रखती थी, और वो कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह की बहन होने की वजह से और उनकी जो खिदमात थी उनकी वजह से बहुत ही ज़्यादा इज्जत रखती थी। वो अयूब खान और उनके सियासी मामलात पर खुलकर तंकीद करती थी और वो बहुत ज़्यादा मकबूल भी थी। वो अयूब खान को खुल्लम खुला डिक्टेटर कहती थी और ये भी कहती थी कि अयूब खान जो कि अपने मुल्क में रोक डालता है वो इंडिया के से डरता है और इंडिया के आगे उसकी जबान नहीं चलती। ये हमें 1965 की वॉर में भी देखने को मिला था कि 1965 की जंग, 1965 की वॉर हम जीते थे मगर टेबल टॉक में हम वो हार गए थे। तो मोहतरमा फातिमा जिन्ना का वो पॉइंट बाद में, यानी कि मोहतरमा फातिमा जिन्ना का जो पॉइंट था बहुत ही अच्छे तरीके से खुलकर सामने आया कि अयूब खान अपने मुल्क के अंदर तो बहुत सारी बातें करता है लेकिन इंडिया के आगे उसकी बोलती बंद हो जाती है। अयूब खान ने आईनी तौर पर खुद को मजबूत कर लिया था और आइन में दूसरी तरमीम करके इलेक्शन तक मुल्क का सदर रहने के इख्तियारात भी हासिल कर लिए थे और इसका अयूब खान को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। रेडियो, बाकी जो जराए हैं उनका अयूब खान ने काफ़ी अच्छा इस्तेमाल किया। इसके अलावा उन्होंने ऑर्डिनेंस जारी किए जिससे यूनिवर्सिटीज में पोलिटिकल एक्टिविटीज़ पर काफ़ी असर पड़ा और इसके अलावा जो साफी हजरात थे उन पर भी बहुत ज़्यादा असर पड़ा। तो इसी तरह जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं और जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने उस आर्डिनेंस पर नज़रसानी के लिए अयूब खान के आगे एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया था, मगर जो हुकूमत थी वो मुकम्मल की वो सारी की सारी अयूब खान के ही कंट्रोल में थी। तो यहाँ पर इस स्लाइड के अंदर आपको वही बताया जा रहा है कि ब्यूरोक्रेसी थी या फिर जो बिजनेसमैन थे तो वो अयूब खान को सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो अयूब खान था वो उसने बहुत ज़्यादा काम किए थे और पाकिस्तान की इकोनॉमिक्स बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ रही थी और उसको इन फ्यूचर एशियन टाइगर भी, यानी कि होने का टाइटल हासिल, यानी कि ऐसा लग रहा था कि इन फ्यूचर पाकिस्तान
इकोनॉमिक्स के लिहाज से एशियन टाइगर बन जाएगा, क्योंकि अयूब खान की जो इकोनॉमिक्स की रिफॉर्म्स थी वो बहुत ही ज्यादा असरअंदाज थी और इफेक्टिव थी। और इसके अलावा मंगला डैम भी अयूब खान के दौर में बना था, जिससे बिजली और फिर सनदों को यानी कि बिजली की वजह से जो इंडस्ट्रीज थी उनको बहुत ज्यादा फायदा हुआ था। और अयूब खान के दौर में पंजाब के अंदर मिनी इंडस्ट्रीज लगी थी जो कि अपनी मेहनत से बाद में मेगा इंडस्ट्रीज भी बनी। तो ये तमाम मामला थे जो कि अयूब खान के हक में जा रहे थे। इसके बाद फिर जब इलेक्शन होता है तो मोहतरमा फातिमा जिना 1965 का इलेक्शन हार जाती हैं। वो 64% वोट से हारती हैं और पूरी की पूरी जो अपोजिशन है वो 15 सीटें जीतती है, जिसमें से जो कंबाइंड अपोजिशन पार्टीज हैं वो 10 सीटें जीतती हैं और बाकी जो आजाद उम्मीदवार हैं वो इलेक्शन जीतते हैं। और आपको पता ही है कि आजाद उम्मीदवार मैक्सिमम जीतने वाले के साथ ही जाते हैं। और इसके अलावा अगर हम इसका क्रिटिकल एनालिसिस करें तो अयूब खान ने हुकूमत को, हुकूमती मशीनरी को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया और वो इलेक्शन जीत गए। और एक अहम वाकया भी हमें देखने को मिलता है कि जब मोहतरमा फातिमा जिना की जो वीडियो थी, सॉरी वीडियो कह रहा हूँ, जो उनकी तकरीर थी वो रेडियो पाकिस्तान पर नशर नहीं होने दी गई थी, जिसका फायदा अयूब खान को हुआ। तो चैनल पर आने के लिए और बार बार वीडियोस देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियोस पसंद आती होंगी। रिमोट स्टूडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।